अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फौजिया चार नवाब, आप देख रहे हैं CNW न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं, सानिया है कारसाज पर, जहाँ पर शौदा के लिए मगफरत की दुआएं की जा रही हैं और शमे रोशन किए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह आपको मालूम है 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची तशरीफ़ लाई थी तो उनका काफ़िला कारसाज से रवाना था, जहाँ पर अचानक बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में 100 से ज़ायद कारकुनान शहीद हुए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद इसमें महफूज रहीं। लेकिन आज 15 साल गुजरने के बाद भी शहदा की याद में शमे रोशन की जा रही हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं और उनको खराजी अकीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन हालत ये थी, मैं खुद यहां मौजूद था कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जिना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाकया किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की और वो अंधोनाक वाकया फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक नहायत ही अफसोसनाक वाकये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे, पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था और उसी रात को 12 बजे thank you।
ये कि आपको पता है कि जैसे कि ये तो 18 अक्टूबर 2007 को हम भूल सकते हैं जिन्होंने शहादत दी, तो हम उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं और उनकी यादगार को शमाए रोशन करने के लिए आए और उनको हम सलाम पेश करते हैं। शहीदों की 18 अक्टूबर की 15वीं बरसी है और हमारी दुआ है, हमारे जियाले मेरे बाप भी शहीदों को सलाम पेश करते रहेंगे, इनको याद करते रहेंगे और हम इसी तरह अपने शहीदों के लिए शमे दिए रोशन कर देंगे। जिए भुट्टो, जिए बेन। आज हम साना कारसाज के शहीदों की 15वीं बरसी मना रहे हैं और ये जो 18 अक्टूबर को जो सानिया हुआ था ये नाकाबिले फरामोश, सबको सारी ज़िंदगी नहीं भूला जा सकता। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी बहन पर कुर्बान हुए, लोग जोग दर जोग यहाँ आ रहे हैं, शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ और शहीदों के लिए फातिहा अख्वानी कर रहे हैं और ये आवाम का और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जज्बा है कि वो अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते। तमाम हम जियाले उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे और बीबी के साथ जो ये इंसिडेंट पेश आया था हम जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आज हम उसी की याद को ताज़ा कर रहे हैं और आज हमें शमाए रोशन 18 अक्टूबर को जो साने हुआ था बीबी भी साथ थी, उन तमाम जो शहीद हुए उन सबको हमारा सुर सलाम। साहिबा आइए इनसे बात करके, ये आएंगे फूल चढ़ाए हैं, खराज अकीदत पेश किया है सानिया कारसाज के शहीदों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। आज हम यहाँ शहदाए कारसाज पे हाजिर हैं और लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग इतने शहीद हुए। पीपल्स पार्टी तो शुरू से शहादतें देती रही है, सबसे पहले भुट्टो साहब की शहादत, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत। सानिया कारसाज जो है हमारे उस दिन की याद है जिस दिन हमारी बीवी यहाँ इतने जलावतनी के बाद पाकिस्तान आ रही थी और हम बड़े खुश पूरी रात जाग के एयरपोर्ट पहुँचे थे उनको रिसीव करने के लिए। सारा दिन इंतज़ार करने के बाद कोई शाम के करीब बीवी के जहाज़ ने लैंड किया और हमें पता चला कि हमारी बीवी यहाँ आई हैं। हमें न भूख का फिक्र थी न प्यास की फिक्र थी, बस ये था कि हम अपनी बीवी को देखें। उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन में थी और मैं जो बाहर के चैनल्स आए हुए थे उनके साथ थी इंग्लिश की वजह से, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल मतलब बीवी की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां चल रही थी मैं उसमें थी। तो जब हम इस पुल पे पहुंचे हैं तो हमें एक ब्लास्ट की आवाज़ आई। जब ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हमने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, हमें बस कुछ और होश नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर मुश्ताक लाशारी, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, पीपल्स लेबर यूनियन, पोर्ट कासम। दुनिया की तरह जिस तरह से यहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शहदा जो साथी थे उनको सुर्ख सलाम पेश करने के लिए आते हैं, आज हम भी इसी हिसाब से हमारी फ़र्ज़ से हाजिर थी। इतना सा मैं थोड़ा बता दूं कि लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक सुमरो लेडीज़ थी जो उनका बेटा शहीद हो गया था, तो बेन साहबा को जिस किसी ने ताज पहनाया तो उन्होंने वो ताज उतार के उस लेडीज़ को पहनाया कि ये आपके बेटे का हक है। इत्तफाकन जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद शहीद हुई तो फिर उसी माँ ने फिर नई दौरों में आकर फिर उनके ज़दर साहब के हवाले किया कि मुझसे ज़्यादा शहीद मेरे बेटे से ज़्यादा कुर्बानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की है तो ये ताज उनका हक है। तो हम उस बेन साहबा को तमाम दुनिया, आज भी हमारे बच्चे भी उनको नहीं भूलते, तो आज भी हम नहीं भूलते, हम उनके लिए और उनके तमाम शहदा के लिए दुआएं मगफरत करते हैं। SMPU पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अभी फिनांस सेक्रेटरी हूँ सिंध की लेडीज़ विंग और ह्यूमन राइट्स की रिजनस कमेटी के मेंबर भी हूँ, RCC बिलावल हाउस की ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। ये तो मेरे आँखों से गुजर रहा है लम्हा, जब यहाँ आई हूँ तो मुझे 15 साल पुरानी बातें याद आ रही है। जब बीबी 18 अक्टूबर को ऐलान किया था कि मैं कराची आऊँगी, हमारी खुशी का इंतहा थी कि बीबी आएगी अपनी जलाद वतनी ख़त्म करके हमारे बीच में होगी। एयरपोर्ट से हम निकले थे, काफ़िला निकला था, यहाँ तक पहुँचा था, मगरिब होते सारा रोड खून से लथपथ था, कोई कुछ नहीं पता चल रहा था क्या है क्या नहीं है। जी माँ, मैं वहाँ मौजूद थी और मैं बीबी से मुलाकात करके आपको मैं बताएं एयरपोर्ट से यहाँ तक 5 घंटे लगे थे।
बीबी के ट्रक से आगे पीछे होते रहते थे। बीबी से मुलाकात करके फिर बीबी कहती थी कि आप जाओ दूसरों को भेजो, आप मिले हो दूसरों को भेजो। बीबी की यही ख्वाहिश थी कि सब जेलों से मिलूं, सबसे मुलाकात करूं, सबके सलाम। जी हम मौजूद थे सानाए कारसाज पे, ये दिन भुलाई नहीं भूलता। पीपल्स पार्टी के शोदा को यहाँ पे सलाम पेश किया जा रहा है और उनके लिए मगफरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। ये ऐसा दिन है जो कभी भूला नहीं जा सकता। इतनी शहादतें हुई थी, इतने लोग शहीद हुए थे और बीबी का कराची आना और ये सब होना, ये एक ऐसा वाकया है जिसको हर साल याद रखा जाता है और लोग यहाँ आते हैं, शमे रोशन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दुआएं करते हैं। आपने देखा लोग किस तरह किस अकीदत से आज भी मोहतरमा को याद करते हैं, उनके अखलाक को, उनकी आदत को याद करते हैं। पीपल्स पार्टी को खराज अकीदत पेश की, उनके लोगों को खराज अकीदत पेश की। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहें CNW News। सलाम पाकिस्तान।